नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही इस वीडियो में आप सभी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश साझा करेंगे। संदेश क्या है, उसके पहले आप सभी एक बार थंबनेल देख लीजिए कि शिक्षा मित्रों के लिए आज सबसे बड़ा चुनौती का दिन। आज का दिन आपके लिए चुनौती का दिन क्यों है, ये बातें आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल आपको बता दूं कि आज है 5 सितंबर, और अगर आपको याद हो तो आपके संघ के द्वारा कुछ ऐलान आपके लिए किया गया था, लेकिन उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। आज आपको वो कार्य करना है जिसके कारण आपका भविष्य निर्धारण को लेकर किसी भी प्रकार का फैसला आपको देखने को मिल सकता है। आज का ही दिन आपके पास शेष है। साथियों, सारी अपडेट आपके साथ आगे वीडियो में साझा करेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अब साथियों चलते हैं अपडेट पर। अब साथियों अपडेट आप सभी की स्क्रीन पर खुलकर आ चुकी है। आप सभी को अपनी स्क्रीन पर कुछ ट्विटर हैंडल के ट्वीट्स दिख रहे होंगे। पहला ट्वीट आप देख लीजिए, ये 12 घंटे पहले का ट्वीट है कि मुझे तो उस शिक्षक दिवस का इंतजार है जब शिक्षा मित्रों का आर्थिक शोषण समाप्त हो जाए। 5 साल में 8,000 निर्दोष शिक्षा मित्रों का आकस्मिक निधन हुआ है। इतने पर भी लोक हित को समर्पित हमारी अपनी चुनी हुई सरकार पूरी तरह मौन रह रही है। अब दूसरा आप देख लीजिए कि ये अनहोनी, यहाँ से आपकी खबर निकल कर आई है कि यूपी का शिक्षा मित्र अपनी ग्राम सभा में मेरिट का नंबर एक इंटर +BA+BTC +22 साल का अनुभव एवं टेट लागू होने के पूर्व की नियुक्ति है, जो अवसाद के चलते अपने प्राण गंवा रहा है। उसके बच्चों का भी भविष्य सुरक्षित नहीं है। सोचो वो कैसे पूरे मनोयोग से शिक्षण कार्य कर पाएगा, इसका जिम्मेदार कौन। अब इसके बाद आप सभी देख सकते हैं यही कमेंट दोबारा दिया गया। ये कमेंट मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, दरअसल साथियों आपको पता है कि आज के दिन आप सभी के लिए एक ऐलान किया गया था, जो कि लखनऊ की भूमि पर आपको उतरना था और आपके मान सम्मान के लिए वहाँ पर प्रदर्शन करना था। लेकिन साथियों ये बातें मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप वहाँ पर जाकर प्रदर्शन करें। आप साथियों अगर चाहें तो घर बैठकर भी अपना जो मुद्दा है वो सरकार तक पहुँचा सकते हैं। जैसे इस पर आप सभी को स्क्रीन पर ट्वीट्स दिख रहे हैं, इसी प्रकार से अगर आप चाहें तो यही हैशटैग्स यूज करके आज की डेट में अपने मामले को ट्रेंड में, यानी कि top 10 ट्रेंड में भारत में पहुँचा सकते हैं। लखनऊ में तो बहुत बार पहुँच चुका, लेकिन आप अगर चाहें तो भारत में अपना मामला top 1 पर पहुँचा सकते हैं। इसके पहले भी कई बार आप सभी का जो मुद्दा है वो ट्रेंड में पहुंचा है, और ट्रेंड में पहुंचने के बाद आधिकारिक बयान आपको देखने को मिला है। तो आप अगर चाहें तो इस प्रकार से एकजुटता दिखा करके एक ही स्थान पर बैठकर आप ये कार्य 5 मिनट के अंदर कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि किस प्रकार से आपको ट्विटर पर कैंपेन करना है तो आप सभी कमेंट में लिखकर बताएं, मैं आप सभी को एक प्रॉपर वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी दे दूंगा। फिलहाल के लिए साथियों यही अपडेट मुझे आपके साथ साझा करनी थी। और अपडेट अगर आपको अच्छी लगे और इसी प्रकार की अपडेट अगर भविष्य में आपको चाहिए तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद, नमस्कार।